ये मेरा प्यारा भतीजा है, ये देख रहे हैं, सबे से ज्यादा केला को मत रहे। कहाँ जा रहे हैं? हो हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। आज बकरीद का दिन है और हम सभी लोग बकरीद की नमाज़ पढ़ने को जा रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि पीछे काफ़ी सारे लोग हैं जो ईदगाह की तरफ तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं और आगे भी कुछ लोग निकल चुके हैं। दोस्तों, आज काफ़ी ज़्यादा सुहाना मौसम है और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। ईदगाह की तरफ देखा जाए तो टाइम के हिसाब से काफ़ी सारे लोग पहुंच चुके हैं और कुछ लोग पहुंचने वाले हैं। वहां जो आपको दिख रहे हैं, ये हमारे गांव का ईदगाह शरीफ है। दोस्तों, अभी हम ईदगाह शरीफ की तरफ, जैसे कि मैंने बताया कि हम ईदगाह शरीफ की तरफ जा रहे हैं और जो पीछे झुंड देख रहे हैं, ये ईदगाह की तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों, ईदगाह की तरफ जाने की कुछ अलामत हैं जो पढ़ते हुए जाना चाहिए और पढ़ते हुए आना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि अगर आप हमारे ब्लॉग में बने हैं तो जिस टॉपिक पे हम ब्लॉग बना रहे हैं उस ब्लॉग में आपको वो सारी बातें बताएं जो जानना ज़रूरी है। जैसे ईदगाह की तरफ जा रहे हैं तो ईदगाह शरीफ की तरफ जाने की लिए कुछ कलमात शरीफ हैं, उसे पढ़ना चाहिए। तो मेरे साथ शाहजहाँ भाई हैं, उनसे पढ़ेंगे और पढ़िए। अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर, वल्लाहिल हम्द। ये कलमात जाते हुए पढ़ना चाहिए और आते हुए पढ़ना चाहिए। जाते जाते जाने का रास्ता एक अलग होना चाहिए और आने का रास्ता एक अलग होना चाहिए। यानी जिस रास्ते से आप जा रहे हैं उस रास्ते से नहीं, बल्कि एक दूसरी रास्ता इख्तियार करके उस रास्ते से वही कलमात पढ़ते हुए अपने घर को आना चाहिए। दोस्तों, अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, आप देख पा रहे हैं कि सारे लोग ईदगाह की तरफ तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं और वहाँ पे हमारे इमाम साहब के बयानात भी हो रही हैं। चलिए आपको ईदगाह शरीफ की तरफ जाकर कुछ मंजर ईदगाह शरीफ के दिखाएंगे, फिर नमाज के बाद सारे दोस्तों से इसी ब्लॉग में मुलाकात कराएंगे। ये सारे लोग जो हैं हमारे गांव के हैं और ये इस रोड से जा रहे हैं। देखिए, छोटे छोटे मुन्ने मुन्नी भी जा रही है और मौसम काफ़ी सुहाना है और थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। बारिश ना हो तो बहुत ही अच्छा होगा, एक घंटा के लिए रुक जाए तो, इसलिए कि टिप टिप बारिश हो रही है। बारिश का अंदेशा है कि कब बारिश हो जाए, इसलिए जल्दी से जमात करने की है। 7 बजे ही जमात का ऐलान किया गया था और अभी 7 बज के कुछ मिनट हो चुके हैं। अभी हाफिज़ भी हम ईदगाह के करीब पहुँच चुके हैं, बस थोड़ी सी दूर बाकी है। जहाँ पे देख रहे हैं कि काफ़ी सारे लोग खड़े हैं और बाहर में कुछ सामान बेचने का मेला वोला भी लगा हुआ है। अभी आप लोगों को दिखाएंगे कि बाहर में क्या क्या बच्चों के लिए बिकता है और क्या क्या है। वो जो कलर में दिख रहे हैं वही ईदगाह हमारे शरीफ है। देखिए, छोटे छोटे बच्चे आज की खुशी में पूरा दबा के खा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे रसगुल्ला, मिठाई भी बिक रहे हैं। के पास जल्दी दिखाएंगे आपको। देखिए, मिठाई की तादाद कम पड़ जा रही है और लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा हो जा रही है। यही लोग का तो ईद है, ये छोटे छोटे लोगों का। देखिए रसगुल्ला वसगुल्ला पकड़े हुए हैं। ये ईदगाह के बाहर ऐसे ही कुछ सामान बच्चों के लिए बेचने के लिए रहते हैं और इधर पान वाले हैं जो अभी नमाज के बाद देखेंगे उस पान वाले के पास कितनी सारी भीड़ होती है। देखिए, सारे छोटे छोटे मुन्ना मुन्निया हैं और ये कुछ आर्मी जवान के कुछ फौज हैं जो हमारे सेफ्टी के लिए खड़े हैं। ये हमारा ईदगाह शरीफ है जहाँ पे हम अभी अंदर आ चुके हैं और देख पा रहे हैं इधर भी कुछ
छोटे छोटे मुन्ना मुनिया हैं और ये हमारे इमाम साहब की बयानात हो रही है। तो जाहिर सी बात है, ये बात कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा बादशाह तो अल्लाह ही है, इससे बड़ा बादशाह कोई नहीं हो सकता। ये ना समझे कि दुनियादार को जो बादशाह कहा जाता वही बादशाह है। इससे अल्लाह से बड़ा कोई बादशाह नहीं, इससे बड़ा कोई तवक्कुल अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده دوستوں अभी बकरीद की नमाज़ ख़त्म हो चुकी है और जैसे कि देख रहे हैं कि पूरा ईदगाह खाली हो चुका है और सारे लोग अपने घर की तरफ जा रहे हैं। अभी मैं भी अपने घर की तरफ जा रहा हूँ। मुझे काफ़ी टाइम लग गया अपने जूता को ढूंढते ढूंढते और लास्ट में आखिर मिल गया। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो ये हमारे ईदगाह शरीफ के बाहर की कुछ तस्वीर कशी हो रही है जो देख पा रहे हैं। ये हमारे ईदगाह शरीफ के बाहर की तस्वीर है जो आपको मैं दिखा सक रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ सारे सामान बिक रहे हैं और ये छोटे छोटे बच्चे आए हुए। मेरे छोटा भाई भी किधर चले गया, उसको ढूंढ रहा हूँ मैं भी। अभी हम आ चुके हैं नमाज़ पढ़ के और मैं अपने छत के ऊपर हूँ। जिस छोटे भाई को मैं ढूंढ रहा था उस मेले के झुंड में, वो कब का घर पहुँच चुका है, उनसे मिलाते हैं आपको। ये है मेरा छोटा भाई, सलाम कर देना, सबको ईद मुबारक बोल दें। बोल 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 दें। देखिए मेरा छोटा भाई सभी को, आप सभी को ईद मुबारक कह रहे हैं। आप लोग भी कमेंट में ईद मुबारक के जवाब जरूर दीजिए छोटे भाई के लिए। और कुछ बोलोगे, क्या खाओगे अभी है? अभी क्या खाओगे, नमाज पढ़ के आए ना, क्या खाओगे? दूध से खाओगे। तुम्हारी टोपी जो नहीं आई क्या करोगे? टोपी दिया ऑर्डर ना, कौन ला रहा था टोपी? उन्होंने देखिए गुलाम यासिन भाई मेरे टोपी इस भाई के लिए ला रहे थे, वो टोपी नहीं ला पाए और इस पुरानी टोपी के साथ इन्हें ईद करना पड़ा। ईद के बाद इनकी टोपी इनके पास पहुंच जाएगी। आराम से खड़ा रहे, हमारा वीडियो यूट्यूब पे आ रहा है, ठीक है। अभी हम ईद कुर्बानी से आ चुके हैं और हम लोग और हमारे बड़े भाई लोग सारे लोग यहाँ पे सेवई से मुंह मीठा कर रहे हैं। उनके साथ मैं भी यहाँ पे आया हूँ। ये मेरा छोटा भांजा है। ए तो दोस्तों अभी हम कुर्बानी का से हम आ चुके हैं और अभी कुर्बानी करने के क्रम में देखिए कितना सारा खून भी लग गया, जिसकी वजह से हमारा कपड़ा गंदा हो चुका है। इधर पैजामे भी लग गए, इधर कुर्ता में लग गया, पीछे साइड भी लग गया कुर्ता में, यानी पूरी तरीके से कुर्ता ख़राब हो चुका है। मैं जल्दी इस कुर्ते को खोलूँगा। तो दोस्तों मेरे भाई को आप लोगों ने नहीं देखा है, मैं उनसे मिलाऊँगा। देखिए ये मेरा छोटा भाई है, यानी मेरे बाद ये मेरा भाई है जिसका नाम शमशीर है। अभी ये मदरसा की तालीम में नर्सरी क्लास यानी कायदा अरबी पढ़ रहा है और उसके साथ साथ उर्दू की कुछ किताबें। अभी जो आप ये इसके माथे में आप ये बंडेज देख रहे हैं, ये कुछ दिन पहले इनका मस्जिद धोने में इनका हादसा हो गया था, यानी ये गिर चुका था और ये
इसकी वजह से इसको लगाया गया बैंडेज। ये काफ़ी ज़्यादा घायल थे और अभी इसको 10 दिन के बाद ये छोटा वाला बैंडेज लगाया गया। पहले पूरे सर में बांधा हुआ करता था। और ये उनके फ्रेंड हैं जो कि इनके साथ पढ़ते थे और अभी ये अलग जगह पढ़ते हैं। ये इस मुबारक मौके पर ये अपने दोस्त से मिलने के लिए आए हुए हैं। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और इस मुबारक दिन में आप लोग अपने अपनों के साथ खुशी मना रहे होंगे। सो दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से और मेरे दोनों भाई की तरफ से आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। सो दोस्तों, बहुत ही खुशी की बात है कि आज ईद का दिन है और ईद के इस हसीन मौके पर मेरे साथ कुछ बाहर से यानी गांव के इर्द गिर्द के कुछ साथी एक दूसरे दोस्त को बधाई देने के लिए आए हुए हैं, जिसमें से हमारे बहुत ही खास और अजीज हमारे यासीन साहब और सामने बैठे हुए कारी गुलाम सरवर साहब, जिन्होंने आते हुए इन मेहमानों का वेलकम किया स्प्राइट और नमकीन के साथ। और ये हमारे बिछड़े हुए दोस्त जो हमारे साथ पढ़ते थे और कितनों दिनों के बाद अब मिलना हुआ है, जो पहचानने भी नहीं आ रहा था, फिर नाम से पहचान लिया और चेहरे पे रौनक बची हुई पढ़ाई के दौर का जो अभी हम पहचान सक रहे हैं।